Hey guys and welcome back to the Pokemon Fire Ash version जहाँ पे कैसे पिछली बार हम लोगों ने जो है गाइस हम आ चुके थे यूनोवा कॉन्फ्रेंस में और गाइस अब फाइनली वक्त आ चुका है कि हम जो है वो चैलेंज करें यूनोवा लीग को। सो यस लास्ट टाइम गाइस हमने ऑपोजिशन सूची को भी एक्सप्लोर कर दिया था, आयरिश के साथ बैटल भी किया था और उसमें कहा था कि हम कैपेबल है इस लीग को चैलेंज करने के लिए। सो यस वी आर गोइंग राइट नाउ। सो लेट्स गो गाइस, यहाँ पर बिना किसी देरी के जो है वो चले जाते हैं यहाँ पे पोकेमॉन फायर ऐश की इस यूनोवा लीग को चैलेंज करने के लिए। लेट्स गो। यहाँ पर अभी पूछे हैं यहाँ पर ओके, तो सबसे पहले यहाँ सर इन लोगों से बात कर लेते हैं एंड देन गाइस हम आगे चले जाएंगे। और साथ ही साथ मैं देखता हूँ ना गाइस यहाँ पर अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर ही रहा हूँ ना, तो देखते हैं यहाँ पर अपनी अभी बज रहे 4 बज रहे हैं यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पर अपनी लास्ट वीडियोस के लिए कितना सपोर्ट आया लास्ट 91 एपिसोड नंबर के लिए। लोड हो रहा है मेरा पेज, चलो यहाँ पर हीलिंग भी कर लेता हूँ साथ ही साथ में। ओके सो 5 घंटे हो गए गाइस, बट सिर्फ 30 यूज आए हैं, दैट्स नॉट इनफ रिस्पॉन्स। अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया करो यार, 2.4 के सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पर, जैसे जल्दी हमें 3K के लिए पहुंचना है। सो लेट्स गो, यहाँ पर अभी हम चलते हैं यहाँ पर वेटर्स कॉन्फ्रेंस को के लिए रजिस्टर करने के लिए। सो लेट्स गो गाइज, यहाँ पर अभी रजिस्टर भी कर लिया हमने। ओके लेट्स सेटअप फॉर अ बैटल। हमारा पहला बैटल है यहाँ पे लेफ्ट साइड में। ओके सो सबसे पहले तो वहां से शुरू होते हैं सारे के सारे बैटल्स। सो कोई बात नहीं, लेट्स गो गाइज, यहाँ पर अभी सेव कर लेता हूँ गेम को मैं, क्योंकि इट्स अननेसेसरी थिंग टू डू। सो लेट्स गो, यहाँ पर अभी सेव भी कर लिया हमने। ओके तो ये बिगिनिंग राउंड यहाँ से शुरू होते हैं, क्या तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? यस, यहाँ पर आ जाओ। ओ किसने सोचा था कि मैं यहाँ पर आऊंगा और मेरा पहला बैटल तुम्हारे साथ होगा। ओके चलो शुरू करते हैं। ओके सो हियर वी गो गाइस, थ्रू द गेम वर्सेस आवर राइवल ऑफ दिस यूनोवा रीजन ट्रिप। तो यार मुझे तो लगा नहीं था कि हमारा पहला ही बैटल यहाँ पे ट्रिप के साथ होगा। सो यस उसने शुरुआत की है सर्पेरियर के साथ, हम जाएंगे अपने पीकेचू के साथ पिछले हार का बदला जो लेना। यार कह के छोड़ने गए हमने, कह के लेंगे इसकी जाइजर आज, क्योंकि लास्ट टाइम ना हमने हमारे पीकेचू के लिए जाइजर कह रहा था कि इसको कैंटो में ही रखो, यूनोवा में मत लेकर आओ, तो इसका बदला आज लेने वाले हैं गाइजर। ये डिसाइड नहीं करेगा कि हमारा पिकाचू किसके साथ रहना चाहिए, हम डिसाइड करेंगे हमारा पिकाचू हमारे साथ ही रहेगा। सो लेट्स गो, यहाँ पर हमने हरा दिया गाइस यार सर्पेरियर को और हमने हरा दिया गाइस यार ट्रिप को, भगा दिया है यहाँ से इस यूनोवा लीग से। सो देखते हैं अभी अपना नेक्स्ट चैलेंज जो है वो किसके साथ रहन होने वाला है। ओके उसके पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं, बोलो। मैं इम्प्रेस हो चुका हूँ बट मुझे शर्मिंदगी भी है कि मैं तुझसे हार गया। ओके सो कांग्रेचुलेशन तुम्हारे पहले जीत के लिए, तो तुम्हारा सेकंड मैच नेक्स्ट यहाँ पर राइट साइड में होगा। ओके सो लेट्स गो, यहाँ पर हीलिंग कर लेते हैं और चले जाते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंज के लिए। आज जितना हो सके मैं उतना चैलेंज जो है वो करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और हाँ आज का जो है एपिसोड वो पहले से मैं बता दे रहा हूँ कि थोड़ा सा छोटा हो सकता है, क्योंकि कल का एपिसोड ना गाइस काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है, वीकेंड का लास्ट एपिसोड है तो इस पोकेमॉन फायर ऐश का वेडनेसडे है तो शायद वो बड़ा हो सकता है एपिसोड, आपको तो पता ही है। ऐसे में थोड़े थोड़े बड़े एपिसोड लेकर आता हूँ लास्ट डे के लिए। सो यस यहाँ पर 64 टॉप 64 की बैटल होने जा रही है। ओके तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मैं अभी तुमसे हारूंगा नहीं। ओके तो ये इसका पहला राउंड है, शायद वहां पर रेल सेट्स में उसका पहला बैटल हुआ नहीं क्या, पता नहीं यार। चलो कोई बात नहीं यार, इस बार हमें दो दो पोकेमॉन चूज करने हैं। ओके तो दो दो पोकेमॉन चूज करने हैं गाइस यार हमें। सो पिकाचू तो नहीं, पिकाचू को रखता हूँ ना मैं, बट पिकाचू एंड क्रोकोडाइल, सबसे पहले जाएगा क्रोकोडाइल एंड देन द पिकाचू। देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ना रॉक रॉक दिख रहा है, तो शायद जो है वो इलेक्ट्रिक टाइप होगा। यार मेरी किस्मत ही फूटी है, मैंने अच्छे से पिकाचू को फर्स्ट पे स्विच लगा था बट आप लोग बोले गए कि पिकाचू स्ट्रांग है इसलिए उसका इस्तेमाल कर रहा है ज्यादा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रोकोडाइल को स्विच कर दिया पहले। और मैं देखो यार कितनी खराब किस्मत है मेरी, यहाँ पर सामने सीकिंग आ गया। चलो यार सीकिंग को हराने का वक्त आ चुका है क्रोकोडाइल, चलो यार क्रोकोडाइल ने हरा दिया यार सीकिंग को, दैट्स रियली नाइस क्रोकोडाइल। ओके नेक्स्ट है बेगोन, तो बेगोन के सामने ना यहाँ पर क्रोकोडाइल दो ही बैटल कर और जितना हो सके उतना बैटल कर। नेक्स्ट अपने यहाँ पर पिकाचू तो है ही अपने पास बैकअप। ओके सो काफी ज्यादा इसने डैमेज दिया था, फ्लेम थ्रोवर मुझे लगता नहीं है डाउन कर पाएगा। ओके सो गाइस यार विदाउट पिकाचू हमने इस बैटल को जीत लिया है क्रोकोडाइल की मदद से, क्रोकोडाइल काफी ज्यादा जो है अपने पास स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है अपने पास। सो लेट्स गो, यहाँ पर हमने हरा दिया है यहाँ पे इस सेकंड ट्रेनर को भी। ओके कांग्रेचुलेशन, तुम इस थर्ड राउंड जीतने सेकंड राउंड जीतने के लिए तुम्हारा नेक्स्ट बैटल राइट साइड में होगा। ओके गाइस यहाँ पर अभी हम चलते हैं सीधा यहाँ से हीलिंग करने के लिए, सीधा चले जाते हैं थर्ड बैटल के लिए। काफी ज्यादा मजा आ रहा है गाइस यार, अब हम जाएंगे सीधा टॉप 32 के लिए, क्योंकि हमने टॉप 64 तो क्वालिफाई कर लिया है। सेव कर लेते हैं, यहाँ पर 40 बैग हमारे पास, आगे चलकर 48 भी आ जाएंगे।
सो लेट्स गो। ओके यहाँ पर टॉप 32 वाइल्ड होती है, क्या तुम रेडी हो? यस। ओके तो मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, गुड लक टू यू। ओके सो यहाँ पर मैं अभी स्विच करता हूँ, मैं किसको लेके आऊँ जाएगा रिवाइवल के लिए? लिवेनी एंड पिकाचू। यस पिकाचू तो मैं बैकअप ही रख ही रहा हूँ क्योंकि मुझे पिकाचू पर थोड़ा पूरा का पूरा भरोसा है, बट बाकी के पोकेमोन थोड़े से अंडर लेवल है ना पिकाचू के, तो मुझे पिकाचू एज अ बैकअप दे रहा हूँ। बट आगे चलकर जो है यहाँ पर ना, इसलिए पहले तो इनका इनके साथ ही मैं बैटल करूंगा। तो देखते हैं अभी टॉर्टेरा तो हरा पाता है कि नहीं। यहाँ पर लिवेनी यार, यहाँ पर तो हुमिनलिक सिनोवा के भी पोकेमोन है, और लोग कहते हैं कि यूनोवा रीजन में तो बस यूनोवा के रीजन के ही पोकेमोन है, पता नहीं यार लोगों का क्या कहना है। सो चलो यार यहाँ पर हमें टॉर्टेरा को यार अपनी लिवेनी ने हरा दिया क्योंकि लेवल 50 की है लिवेनी, इतना भी कम उसे आंखों मत। ओके नेक्स्ट अप है डारुमाका। तो डारुमाका के खिलाफ मैं इधर में स्विच कर देता हूँ यहाँ पर पिकाचू को, क्योंकि यार लिवेनी जो है यहाँ पे फायर टाइप के खिलाफ वीकनेस हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर लिवेनी डाउन हो जाए, तो इसलिए जो है यहाँ पर मैं अच्छे खासे तो यहाँ पर पिकाचू को लेकर यहाँ पर इस बैटल को भी जो है वो जीत लेते हैं गाइस। एंड यस यहाँ पर अगर हमने इस बैटल को भी जो है वो जीत लिया है, दैट्स रियली गुड फॉर अस। सो लेट्स गो गाइस, यहाँ पर अभी हम चलते हैं यहाँ पर अपने आगे बैटल के लिए। तो टॉप 32 हमने क्लियर कर लिया, अभी नेक्स्ट अप है गाइस टॉप 16। सो देखते हैं अभी टॉप 16 में हमने कैसा परफॉर्मेंस करते हैं हम। ओके सो हीलिंग कर लेते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि हीलिंग भी मस्ट है। ओके सो लेट्स गो गाइस, अभी हम चलते हैं सीधा टॉप 16 के बैटल्स करने के लिए। सेव भी कर लेता हूँ मैं, 570 पोकेडेक्स हो चुका है हमारे रजिस्टर नंबर में। ओके यहाँ पर टॉप 16 की फाइट है, हम रेडी है। तुम मेरा भेज देना ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से हारे भी जीते बिना कहीं जाने नहीं वाला हूँ। ओके तो फाइटिंग टाइप मुझे लग रहा है ना जोडो है, थोड़ा सा फाइटिंग टाइप का स्प्राइट है, तो इस बार जाएगा यहाँ पे ऑशोवॉट एंड देन द पिकाचू, और तीन को चूज कर सकते हैं हम। ओके ऑशोवॉट बिगिनाइट एंड देन पिकाचू। सो ये भी होगा जा रू दी गेमा वर्सेस दी ब्लैक बेल्ट स्टीफन। ये तो अपने दोस्त है ना स्टीफन, जो यूनोवा लीग में मिलता है हमें। यार मैंने अब तक सीजन 16 देखा नहीं है क्योंकि अभी सीजन 16 की डबिंग हुई नहीं है हिंदी, जब हो जाएगी तो यार मुझे प्लीज बता दो कब होने वाली है सीजन 16 की डबिंग, क्योंकि यार मुझे देखनी है सीजन 16, क्योंकि सीजन 16 में यार जियोवानी आ चुका है, आपने देखा ही होगा अपने पिछले एपिसोड में जियोवानी ने रिटर्न कर दिया था। सो यार खेलने में इतना मजा आया, तो आप सोच ही सकते हो कि देखने में कितना मजा आएगा पोकेमोन सीजन 16। पता नहीं यार डबिंग कब खत्म होगी और स्टार्ट भी होगी पता नहीं, क्योंकि चैटर की मुझे वीडियोस देखनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को पता हो कि डबिंग स्टार्ट हुई है क्या, बीच में हुई है क्या, सिर्फ एंड में होने वाली है अब, तो यार प्लीज बता देना मुझे कमेंट में कि कब सीजन 16 आने वाला है। शायद अगले साल ही आएगा वो लोग जो है शायद चलाएंगे अभी 2 महीने के लिए सीजन 15, क्योंकि यार सीजन 23 भी जो है अभी रनिंग हो रहा है यूट्यूब पे, वो भी फ्री में, तो शायद ही अभी इतने जल्दी तो लाएंगे नहीं सीजन 16 को। देखते हैं कब आएगा सीजन 16 का, मैं इंतजार कर रहा हूँ काफी दिनों से, पर पता नहीं कब आएगा। मैं तो सीजन 16 का इंतजार कर रहा हूँ बट पता नहीं यार कब आएगा, देखते ये अपने तो सीजन 16 यहाँ पर कल तो खत्म हो ही जाएगा, कल खत्म होएगा आज नहीं खत्म होएगा, क्योंकि अभी भी थोड़ी थोड़ी चीजें हैं मुझे थोड़ी सी टेक केयर करनी है, तो शायद कल ही खत्म हो जाए। बट देखते हैं यहाँ पर अभी लेट्स गो, यहाँ पर शॉक है उसका लास्ट पोकेमॉन, तो एक थंडरबोल्ट का ही काम है, और इस बैटल को भी जो है गाइस हमने जीत लिया है अगेंस्ट दिस यहाँ पे स्टीफन के खिलाफ। सो लेट्स गो यहाँ पर अभी हम चलते हैं सीधा यहाँ से टॉप 8 में बैटल करने के लिए। यस टॉप 8 में आ गए यार, काफी ज्यादा अच्छी किस्मत है हमारी, यहाँ पर टॉप 8 में हमें बैटल करने का मौका मिल रहा है। सो लेट्स गो यहाँ पर हमने इसको भी हरा दिया है। सो यस हमने हरा दिया दोस्तों ब्लैक बेल्ट स्टीफन को, ये काफी ज्यादा इंटेंस था। सो लेट्स गो गाइस यहाँ पर हमने बैटल भी जीत लिया है, यहाँ पे मैं विन नहीं कर सकता हूँ, ये कैसे गया? ओके सो कांग्रेचुलेशन तुम्हारी फोर्थ मैच के लिए, सो तुम्हारा नेक्स्ट बैटल यस राइट साइड में होगा। यस यहाँ पर हमारा नई बैटल राइट साइड में होगा, बट आज के साल में वीडियो में जितना ही रखता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आज का एपिसोड थोड़ा सा छोटा रख रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे थोड़े से और काम है, इसलिए यार मैं ज्यादा बड़ा एपिसोड बना नहीं पाया आज के लिए। बट पक्का मैं कह रहा हूँ गाइस कल जो है वो 20 मिनट के भी ऊपर का एपिसोड आने वाला है, क्योंकि कल ना मैं सच में बताऊँ ना लास्ट एपिसोड है अपने इस वीक का, और ये सीजन 16 का भी ना लास्ट एपिसोड रहने वाला है। सो मैं काफी सारे चीजें जो है वो कवर करने वाला हूँ उस लास्ट एपिसोड के लिए। सो यस बिल्कुल भी मिस मत करना, और ज्यादा ज्यादा वीडियो को लाइक भी कर दो यार, और मैं मिलता हूँ आपसे पोकेमॉन फायर के अगले एपिसोड में और सीजन 16 का लास्ट एपिसोड के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।